नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के बाबा धाम के पास ताश पत्ती खेल रहे युवकों में विवाद हो गया था, जिसमें तीन आरोपियों में एक युवक के सिर पर डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोतीनगर थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि काकगंज निवासी 22 वर्षीय दीपक पिता मथुरा प्रसाद अहिरवार अविवाहित था। वह घर के पास ताश पत्ती खेल रहा था। इसी दौरान उसका अमित अहिरवार, अरविंद अहिरवार और रोशन अहिरवार से विवाद हो गया। तीनों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके सर में गहरी चोट आई थी और इस कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी अरविंद, अमित और रोशन को गिरफ्तार कर लिया। मृतक दीपक मजदूरी करता था। उसके परिवार में दो भाई व दो बहन हैं। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही आरोपियों की घेराबंदी शुरू कर दी गई, जिससे वह भाग नहीं पाए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैसी की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार भाई साहब, ये क्या घटना हुई है? अभी सूचना ये प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जो है दीपक है, उसकी यहाँ कागजन मोगा मैदान के पास जो हत्या हो गई। सूचना की तस्दीक से घटनास्थल पर पहुंचे तो दीपक के पिता जो है उन्होंने रिपोर्ट की है कि उनके बेटे दीपक की हत्या जो है अमित ने अपने साथी अरविंद और रविंद के साथ मिलकर की है। घटना की सूचना की तस्दीक की जा रही है और उसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना जैसे जैसे तथ्य आएंगी वैसे वैसी कार्रवाई की जाएगी। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण अभी साधारण गाली गलौज है। किसी विवाद पर थे, सब साथ में बैठे थे, बैठने पर से किसी विवाद भी हो डंडा मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी हुई अभी अभी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है।